नेक्स्ट रिकमेंडेशन मैम, अगर आपको थोड़ा बहुत न्यूज में कहीं पे पढ़ने में आया हो, रिसेंटली एयर इंडिया ने और टाटा ने मिलके जो एयरलाइन को कंसोलिडेट करने की बात करी है, विस्तारा, एयर इंडिया वगैरह, तो उन्होंने कुछ नए जेट्स के ऑर्डर दिए हैं, एयरबस और एयरबस और दूसरी एक जो कंपनी है बोइंग, उन दोनों को। तो हमारे इंडिया में भी एक कंपनी है जो ये एयरबस और बोइंग को पार्ट सप्लाई करती है, उस कंपनी का नाम है डायनेमिक टेक्नोलॉजी। डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी लास्ट वीक में एक अच्छा ब्रेकआउट शो कर रहा था, अच्छी स्ट्रेंथ भी शो कर रहा था। उसके बाद पिछले 7 से 8 सेशन में वो एक कंसोलिडेशन जोन में गया और अब ब्रेकआउट का रीटेस्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट का रीटेस्ट करता है तो ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो अगर आप इसको पिछले 15 दिन के नजरिए से देखेंगे, जो ब्रेकआउट आया था 2500 के लेवल पे, वो फिर से रीटेस्ट हो चुका है और अभी 2630 2600 के आसपास चल रहा है। मैं इसमें 3150 तक के लेवल देख रहा हूं, और आप इस केस में स्टॉप लॉस आप 2400 के आसपास तक का लेके चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 230 रुपए का स्टॉप लॉस है, उसके सामने आपको अराउंड 500 रुपए तक के इसमें अपसाइड लेवल दिख सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव ब्रेकआउट आया हुआ है विद द न्यूज, तो मेरा जी दर्शकों को ये सलाह रहेगा डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी का।